बिहार में शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक छुट्टी पर चले गए हैं। के पाठक 7 दिनों के अवकाश पर हैं। आगामी 14 जनवरी तक के उनके अवकाश को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके बाद वो कुछ दिनों तक विभागीय कामों से दूर रहेंगे। उन्होंने अपने आवेदन में अवकाश पर जाने की वजह भी बताई है। वहीं के पाठक की गैर मौजूदगी में अब शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव के प्रभार में है। प्रभार थामने के साथ ही वैद्यनाथ यादव एक्शन में आए और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बता दें कि 16 जनवरी को BPSC द्वारा दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन होना है, जबकि के पाठक 14 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 14 जनवरी तक छुट्टी पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। तब तक विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ACS के प्रभार पर रहेंगे। गौरतलब है कि के पाठक इन दिनों विवाद में घिरे हुए हैं। IIMA के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के साथ उनका विवाद चल रहा है। डॉक्टर अजय कुमार ने के पाठक के खिलाफ पटना के राजीव नगर थाने में आवेदन दिया है। फोन करके दुर्व्यवहार करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। वहीं थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर कोर्ट में जाकर केस दर्ज करने की बात उन्होंने कही। इस पूरे मामले को लेकर बिहार में IIMA के अंदर भी नाराजगी है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।